स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार स्पोर्ट लिया यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सुपर लीग और आई लीग के कुछ लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात बता देता हूँ, अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़े बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इस तरह का इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड सभी न्यूज आपको मिलते रहे। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई एफसी की तरफ से एक न्यूज निकल कर आया है। चेन्नई एफसी ने विकास यमन को राउंड ग्लास पंजाब एफसी से अपना टीम में साइन कर लिया है और इस खिलाड़ी को चेन्नई एफसी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया है। जी हाँ, अभी विकास यमन चेन्नई एफसी के साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को विकास यमन चेन्नई एफसी की तरफ से खेलते हुए नज़र आएगा। उसके बाद चेन्नई एफसी का एक प्लेयर जॉबी जस्टिन के बारे में एक न्यूज़ निकल कर आया है। जी हाँ, जॉबी जस्टिन चेन्नई एफसी से लिफ्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अभी न्यूज़ निकल कर आया है। आप सभी को पता ही है जॉबी जस्टिन को चेन्नई एफसी में कोई भी मौका नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा, और इसी के चलते जॉबी जस्टिन ने चेन्नई एफसी से अपना कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा रूमर्स अभी निकल कर आया है, ये कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, ये जस्ट रूमर है कि जॉबी जस्टिन लिफ्ट होने वाला है चेन्नई एफसी से। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से बहुत बड़ा बुरा न्यूज़ निकल कर आया है। जॉन कास्टानेगा ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से पार्ट अवे हो चुका है। जी दोस्तों, आप जॉन कास्टानेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ जुड़ा रहने वाला नहीं है। जॉन कास्टानेगा ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत अपना कॉन्ट्रैक्ट को पार्ट अवे कर चुका है। जी दोस्तों, अब से जॉन कास्टानेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से खेलता हुआ नज़र नहीं आएगा। और अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का दो फॉरनर्स बहुत खाली हो चुका है और इनको पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी दो नया फॉरनर प्लेयर साइन करने वाला है। इसके रिगार्डिंग और कोई नया न्यूज निकल जाएगा तो मैं आप सभी को जरूर इन्फॉर्म कर दूँगा। उसके बाद आप सभी को बता देता हूँ सेंसो के बारे में, आप सभी को पता ही चला होगा, जानते होंगे आप सभी को सेंसो को। जी हाँ दोस्तों, सेंसो फिर से इंडिया में कम बैक कर रहा है। राउंड ग्लास एफसी के तरफ से सेंसो रिटर्न होने वाला है, अभी ऐसा न्यूज़ निकल के आया है। सेंसो राउंड ग्लास पंजाब एफसी के तरफ से अपना कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, ऐसा न्यूज़ अभी निकल गया है। अगर इसके रिकॉर्डिंग और कुछ न्यूज़ निकल जाएगा तो मैं आप सभी को जरूर इन्फॉर्म कर दूँगा। उसके बाद इंडियन नेशनल टीम के तरफ से न्यूज़ निकल गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशनल टीम WAFF में खेलने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, WAFF के तरफ से इंडिया और थाईलैंड को इनवाइट मिला था, लेकिन अभी इंडिया WAFF में खेलने वाला नहीं है और WAFF में थाईलैंड खेलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की जगह थाईलैंड WAFF में चैम्पियंस में खेलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था इंडिया की तरफ से, जैसे कि कतार, UAE, सऊदी अरब के साथ खेलने चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा न्यूज़ निकल गया है कि इंडिया WAFF चैम्पियंस लीग में नहीं खेलेगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से एक छोटा सा रूमर्स निकला था। जी दोस्तों, जैकिसन सिंह, आप सभी इनको जानते होंगे, एफसी गोवा की तरफ से बहुत ही बड़ा खिलाड़ी था ये, और ऐसा न्यूज़ निकल गया है कि जैकिसन सिंह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में ज्वाइन होने वाला है। अभी जैकिसन सिंह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ एडवांस तल कर रहा है, और ऐसा अभी न्यूज़ निकल कर आया है कि जैकिसन सिंह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आने वाला है, ऐसा रूमर्स निकला था, लेकिन ये न्यूज़ रूमर्स अभी डाउन हुआ है। जी दोस्तों, और इसके रिगार्डिंग और कुछ न्यूज़ निकलेगा तो मैं आप सभी को जरूर इन्फॉर्म कर दूँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।